मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज दो स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है।